वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो अगर आपको ये मेकअप लुक सीखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इंस्टा आईडी पे जाके चेक जरूर कर लीजिएगा एक बार, तो आप देख सकते हो आई मेकअप मेरा। मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल आई लैसेज नहीं लगाई हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ आप लोग को। शादी पार्टी में आप इस तरीके से लुक क्रिएट करके और हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो शादी पार्टी है तो आप नाम टीका जरूर यूज करोगे। तो आप इस तरीके से बीच की मांग निकाल लो। अगर आपके मांग टीका का जो मांग टीका का ये जो ये है, अगर ये छोटा है तो आप इसमें थोड़ा सा धागा ऐड कर लीजिएगा। अगर लंबा है तो ये चलेगा। तो मेरा काफ़ी पीछे तक आ जा रहा है तो मैं इसमें धागा ऐड नहीं करूँगी। और इसको यहाँ पे इस तरीके की क्लिप्स आती हैं छोटी छोटी, इनको लेना है और कुछ इस तरीके से लगाना है। मैं बैक करके दिखा रही थी। पहले आपने इस तरीके से लगा लिया, फिर दूसरा वाला क्लिप लोगे और इसके ऊपर जस्ट इस तरीके से तिरछा करके लगाओगे ना, इस तरीके से। तो टीका आपका बिल्कुल भी नहीं टीकेगा, मतलब मिलेगा नहीं, और आप अच्छे से हेयर स्टाइल कर लोगे। जैसे हम लोग हेयर स्टाइल करते थे टीका पेपर खींच के नीचे आ जाता है, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे तो कितना भी आप सिर हिलाओ हेयर स्टाइल बनाओ आपका टीका बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग हेयर लेंगे इस तरीके से और इसको बैक में थोड़ा सा पफ का लुक दे देंगे पीछे इस तरीके से। ओके, हाँ मुझे कमेंट आया था कि मैम बहुत पतले बाल है मेरे और मैं किस तरीके से बनाऊं हेयर स्टाइल। तो उसके लिए मैंने वीडियो शेयर कर दिया गाइस, बहुत पतले हेयर पे आप फ्रंट से कैसे पफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक ही वीडियो में 5-6 हेयर स्टाइल बताई है जो कि पतले और हल्के बालों में इजिली आप बना लोगे। तो इस तरीके से आप पफ बनाओगे। मेरे भी बाल उतने ज़्यादा हैवी नहीं है, बट मेरे बाल जैसे वॉल्यूम जैसे फूला फूला हेयर नहीं होता उस टाइप का हेयर है, इसकी वजह से मेरा बाल बहुत घना दिखता है। बना लिया है। ओके, आप चाहो तो इसमें आर्टिफिशियल पफ वगैरह यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये फ्रंट का हेयर बचा हुआ है इसको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है और साथ साथ में दूसरा लेयर लेते जाना है। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको बना लोगे और बहुत ही अच्छा लगता है ये हेयर स्टाइल। मैरिड वूमेन है या फिर आपने साड़ी डाल रखी है, गाउन ड्रेस डाल रखा है, तो आप इस तरीके का हेयर स्टाइल बना सकते हो। ओके, अब इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए जैसे हमने यहाँ तक ट्विस्ट कर लिया, बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसको सिंपली इस तरीके से लपेट देंगे। आपस में लपेटने के बाद से हल्का हल्का बालों को खींच देंगे, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए और थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है। इसके बाद जो आपने पफ बनाया हुआ है उसके पास इसे इन हेयर को लेके जाना है और क्लिप की मदद से सेट कर लेना है जहाँ पे आपने पहले सेट किया हुआ था टीका वहीं पे। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। जब आप ये वाला ये लाइन वाली हेयर स्टाइल बनाते हो पूरा पीछे तक इस तरीके से फिंगर लेके जाओ और उसके बाद से ट्विस्ट करो तो आपका अच्छे से बनेगा हेयर स्टाइल। आप चाहो तो लेयर्स निकालना है तो आप निकाल सकते हो। बहुत सारी हेयर स्टाइल की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग और अच्छे से लपेट देंगे। ओके, अगर आपका टीका थोड़ा सा भी लूज पड़ जाए तो आप पीछे से इसको फिंगर डाल के खींच सकते हो, बट मेरा यहाँ पे ठीक है। अब इसको भी बैक में इसी क्लिप के पास ले जाके और सेट कर देना है। ओके,
अब हम लोग यहाँ पे बन हेयर स्टाइल, आप चाहो तो इस तरीके से ओपन भी रख सकते हो, अगर आप गर्ल हो तो आप इस तरीके से ओपन रख सकते हो, काफी प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल आपके। ओके, और आप चाहो तो इसके साथ बन भी बना सकते हो। तो बन के लिए आप क्या करोगे, सिंपली सारे बालों को यहाँ पे पीछे की तरफ लेके जाओगे और एक रबड़ लगा लेंगे। ओके, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रबड़ लगा लेंगे। अगर आप शादी पार्टी के लिए बन बना रहे हो तो आप डोनेट जरूर यूज कीजिएगा। ओके, मेरे हेयर की लेंथ यहाँ पे छोटी है तो मैं थोड़ा बड़ा ही डोनेट यूज कर रही हूँ। आपको जैसा चाहिए आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। इसको सेट रखने के लिए एक रूटीन आप लगा लीजिए, यहाँ पे हेयर को दो टू पार्ट में डिवाइड कीजिए और डोनेट को अच्छे से कवर कर दीजिए। एक रबड़ बैंड और लगा दीजिए इसके ऊपर से और पूरा डोनेट को अच्छे से ढक दीजिए। बाकी बचे हेयर को थोड़ा थोड़ा हेयर कीजिए और ट्विस्ट कीजिए। आप चाहो तो सिंपली भी लपेट सकते हो और चाहो तो इस तरीके से ट्विस्ट करके भी लपेट सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से सिंपल लेके जाओ और इस तरीके से लपेट के यहाँ पे यूपिन लगा दो। फिर से इस साइड पे हेयर को थोड़ा इस तरीके से सिंपल लेके जाओ। खुद से बना रहे तो आप प्लेन ही इस तरीके से लपेट कीजिएगा क्योंकि दिक्कत हो सकती है आपको अकेले ज़्यादा ट्विस्टिंग और ज़्यादा स्टाइल करने में। और यहाँ पे यूपिन को ऐड कर दीजिए अच्छे से टाइटली, तीन चार यूपिन लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना, आप चाहो तो जूड़े को सजाने के लिए इस तरीके का स्टोन वाला जूड़ा पिन यूज कर सकते हो। और आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीन चार मेरे पास जूड़ा पिन हैं तो मैं यूज कर लेती हूँ। तो इसके साथ आप गजरा ऐड कर सकते हो जिससे कि और भी अच्छा लुक आ जाएगा आपके हेयर स्टाइल का। शादी पार्टी के लिए खुद से बनाइए ये सुंदर जुड़ा हेयर स्टाइल। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और मेरा मेकअप लुक सीखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और आप चाहो तो इस तरीके की चेन है आपके पास तो इसे DIY नथिया बना सकते हो आप। इस तरीके से अपने नोज पिन में इसको इस तरीके से फंसा लीजिए, नोज पिन को थोड़ा सा ऊपर करना है, इस तरीके से लगाना है इसको, छोटा बड़ा करके इस तरीके से अपने फेस पे अटैच कर देना और यहाँ पे आप एक पिन लगा दोगे तो काफ़ी अच्छा सा नथ आपका बन के रेडी हो जाएगा। और इस टाइप के नथ अभी बहुत ट्रेंड में हैं। देखिए तो कैसा लगा आप लोग को ये वाला आइडिया और मेरा हेयर स्टाइल, सब कुछ पसंद तो आया ही होगा। और वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।